तो मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि स्टूडेंट्स का वेट कर रहा हूं मैं 2 मिनट के लिए, उसके बाद शुरू कर। अच्छा, मैं ये आपसे डिस्कस कर रहा था कि बेसिकली जब हम ये दोनों स्टेटमेंट कॉल कर रहे हैं तो हम इनडायरेक्टली यही फंक्शन जो है इसको कॉल कर रहे हैं, लेकिन फोर के जरिए कॉल करने का क्या मतलब है? इसके फोर के जरिए कॉल करने का मकसद ये है कि नेक्स्ट फंक्शन कॉल जो है वो एक नए थ्रेड के अंदर होगी, ना कि सेम थ्रेड के अंदर होगी। ठीक है, तो जब वो नए थ्रेड के अंदर होगी तो आपको कंकरेंसी भी मिल सकेगी, और आपका करंट थ्रेड और जो नया थ्रेड है या जो नए थ्रेड आप और बनाएंगे वो आपस में इंटरलीव कर सकेंगे, वो आपस में पैरेलल में एग्जीक्यूट कर सकेंगे। उसके बाद फोर्क ज्वाइन पैरेललिज्म जो है उसकी एग्जांपल यहाँ पे उसका सम अप किया गया। इसको अगर हम देखना चाहें तो हम इस क्लास डायग्राम को देख सकते। फोर्क ज्वाइन टास्क है जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास है। ठीक है, अब इसको दो क्लासेस जो है वो सब क्लास कर रही हैं, एक रिकर्सिव एक्शन है और एक रिकर्सिव टास्क है। हमारा जो सम टास्क था उसने किसको एक्सटेंड किया? उसने रिकर्सिव टास्क जो है उसको एक्सटेंड किया। अब रिकर्सिव टास्क में और रिकर्सिव एक्शन में क्या फर्क है? रिकर्सिव टास्क जो है वो बेसिकली आपको कोई रिटर्न टाइप दे देता है, वो आपको कंप्यूट मेथड जो है उसका कुछ रिजल्ट जो है वो रिटर्न करता है। ठीक है, जिस तरह हमने देखा था कि हमारा जो सम टास्क है वो इंटीजर रिटर्न कर रहा है, तो जो टाइप पैरामीटर की मैं बात कर रहा था वो आपको यहाँ पे नजर आ सकते हैं। उसने टी की बजाय इसको वी कह दिया, तो जो भी रिकर्सिव टास्क हमने इंटीजर यहाँ पे टाइप पैरामीटर की वैल्यू इंटीजर दी थी, तो ये वी कंप्यूट जो था ये इंटीजर कंप्यूट बन गया, यानी उसने एक इंटीजर रिटर्न करना था। रिकर्सिव एक्शन ऑन द अदर हैंड जो है वो वाइड कंप्यूट उसमें मेथड है। वाइड कंप्यूट का मतलब ये है कि आपने कोई ऐसी प्रोसेसिंग करनी है जिसका आपको कोई आउटपुट नहीं चाहिए, बल्कि वो खुद से ही कोई एक्शन करता है और एक्शन करने के बाद जो है वो खत्म हो जाता है। लाइक आपने कुछ फाइल में राइट कर दिया, आपने कुछ नेटवर्क के ऊपर सेंड कर दिया, ये इस तरह की चीजें जिसका आपको कुछ आउटपुट नहीं चाहिए, तो उसको अगर आपने थ्रेड के अंदर करना है तो उसके लिए आपके पास जो है वो रिकर्सिव एक्शन है क्लास, उसको आप सब क्लास करें। उसके बाद है ओपन एमपी। ओपन एमपी क्या है? बेसिकली ये सेट ऑफ कंपाइलर डायरेक्टिव्स हैं, ठीक है, फॉर सी एंड सी प्लस प्लस, फोरट्रान के लिए भी है। ये आपको सपोर्ट देते थे हैं पैरेलल प्रोग्रामिंग के लिए शेयर्ड मेमोरी एनवायरनमेंट में। इसमें काम जो है वो इजी है एज कंपेयर टू फोर्क ज्वाइन, जिस तरह हमने जावा में देखा या पिछली हमने जो एक्सप्लिसिट इंप्लीमेंटेशन देखी। इसमें आप ये देखें एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, यहाँ पे आपका सिक्वेंशियल कोड है और यहाँ पे आपके पास एक ऐसा कोड आया जिसके बारे में आप ये कहते हैं कि ये कोड जो है किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसको आप पैरेलल में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट एफ है, प्रिंट की स्टेटमेंट है, सी आउट की स्टेटमेंट है, इसमें डाटा भी कोई यूज नहीं हो रहा, वेरिएबल भी कोई यूज नहीं हो रहा, तो इसको पैरेलल किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रोग्रामर ने सिर्फ ये बताना है, और ये उसने कैसे बताना है, ये कंपाइलर डायरेक्टिव्स के जरिए प्रैग्मा ओएमपी पैरेलल के, ये पीस ऑफ कोड जो है इसमें एक लाइन लिखें, दो लिखें, 10 लिखें, 50 लिखें, जितनी मर्जी लिखें, उसमें आप ये बताएंगे कि ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है ये पैरेलल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका सिक्वेंशियल कोड आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है वो कंपाइलर क्या करेगा, वो जितनी आपके पास कोर्स हैं उतने थ्रेड बनाएगा और उसमें इस ये वाला जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर। उसके बाद एक और कंपाइलर डायरेक्टिव है जो कि आपकी लूप जो है फॉर लूप उसको पैरेलल में रन कर सकता है, कर देता है। लाइक अगर आप फॉर लूप के ऊपर ये लिखेंगे कि प्रैग्मा ओएमपी पैरेलल फॉर, तो ये आपका जो लूप है इसको अनरोल कर देगा और उसको पैरेलल के अंदर एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, अगर आपके पास चार कोर्स हैं तो
एक टाइम में आपकी चार इटरेशन हो रही होंगी। अगर आपके पास आठ कोर्स हैं तो एक टाइम में आपकी आठ इटरेशन जो है वो चल रही। लेकिन आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि जिस भी कोड के ऊपर आप इस तरह के डायरेक्टिव लगा रहे हैं, लाइक यहाँ पे हम दो अरेज को सम कर रहे हैं और उनका रिजल्ट जो है वो तीसरी के एक इंडेक्स पे स्टोर कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास कुछ इस तरह का कोड होता है कि एस इज इक्वल टू एस प्लस ए ऑफ आई, तो ये अगर ये इंस्ट्रक्शन जो है ये हमारी लूप के अंदर होती, जिस तरह हमने पिछली दफा किया था कि सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, तो इसमें जो एस की करंट वैल्यू है वो एस की प्रीवियस वैल्यू या प्रीवियस लूप इटरेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये इस तरह का जो कोड है उसको आप पैरेललाइज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें एक सीक्वेंशियल डिपेंडेंसी मौजूद है। यहाँ पे सीक्वेंशियल डिपेंडेंसी मौजूद नहीं, इसमें आप सिंपली दो अरेज का सम ले रहे हैं और उसको एक तीसरी अरे के अंदर स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद है ग्रैंड सेंट्रल डिस्पैच। ये जो फ्रेमवर्क है ग्रैंड सेंट्रल डिस्पैच का, ये आईओएस जो फ्रेमवर्क है उन्होंने बनाया था, जो बेसिकली एप्पल कंपनी है जिसके दोनों प्रोडक्ट है, मैक ओएस भी उसी का प्रोडक्ट है और आईओएस जो है वो भी उसी का प्रोडक्ट है। उसने एक्सटेंशन लिखी है सी और सी प्लस प्लस के लिए, और आप लोगों में से जो आईओएस की डेवलपमेंट में जाना चाहेगा उसको ये पता चलेगा कि इसमें जो ज्यादा लैंग्वेज आप यूज करते हैं उसका नाम उन्होंने ऑब्जेक्टिव सी लैंग्वेज रखा। तो इसमें भी आप कोड ब्लॉक्स जो है उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वाले जो कोड सेक्शन हैं दे कैन बी रन इन पैरेलल। वो किस तरह से करते हैं, वो इस तरह से करते हैं, ये आपके पास जो है वो कैप साइन है और उसके बाद आप एक पूरा ब्लॉक दे देते हैं और उस ब्लॉक के बारे में आप ये बताते हैं कि ये जो है ये पीस ऑफ कोड है जो कि एक नए थ्रेड में एग्जीक्यूट किया जा सकता है, जो कि किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, जो कि पैरेलल एग्जीक्यूशन जिसकी एनेबल की जा सकती है। इन ब्लॉक्स जो हैं इनको आप डिफरेंट क्यूज के अंदर जो है प्लेस कर देते हैं, ठीक है, और जो ये क्यूज जो हैं ये थ्रेड पूल को आप असाइन कर देते हैं जब भी आपको कोई थ्रेड जो है वो अवेलेबल होगा। अब इसमें दो तरह की चीजें हैं कि या तो जो क्यूज में आपने वो थ्रेड डाले हैं, यानी जो भी थ्रेड आपने या जो पैरेलल सेक्शन है उनको थ्रेड बना के क्यूज में डाला है, या तो क्यू से उनका निकलना जो है वो फीफो ऑर्डर के तहत होगा, यानी जो आखिर जो सबसे पहला उसमें से होगा उसको आप रिमूव कर लेंगे और एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे, ठीक है, या दूसरा कंकरेंट है कि आपके पास जो है एक से ज्यादा कोर्स अवेलेबल हैं, आप एक से ज्यादा थ्रेड्स जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो आप फीफो में से एक से ज्यादा जो है वो थ्रेड्स निकाल के उनकी एग्जीक्यूशन शुरू कर देंगे। उसके अलावा ये जो मल्टीपल लेवल ऑफ क्यूज जो है वो मेंटेन करता है फॉर द डिफरेंट क्वालिटी ऑफ सर्विस क्राइटेरिया के तहत, लाइक इसके जो क्यू है उसमें एक यूजर इंटरेक्टिव थ्रेड्स और प्रोसेस का है, दूसरी क्लास जो है वो क्लास यूजर इनिशिएटेड है, तीसरी जो है वो यूजर यूटिलिटी की है, चौथी जो है वो बैकग्राउंड प्रोसेस। इनकी डिटेल में हम नहीं जा रहे, मैं सिर्फ एक चीज जो है वो आपको एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि जहां पे भी आपके पास क्वालिटी ऑफ सर्विस का नोशन आ जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं, कुछ ऐसा चीज है जिसको आपने प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, यानी आपके जो प्रोसेसेस हैं वो प्रायोरिटाइज होंगे, आपके जो है थ्रेड्स हैं वो प्रायोरिटाइज होंगे, या इवन इन द डोमेन ऑफ नेटवर्क अगर आप वीडियो जो है उनको प्ले करना चाहते हैं तो आप ये चाहते हैं कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो हाई हो फॉर प्लेइंग वीडियो एज कम्पेयर टू जनरल ब्राउजिंग, ठीक है, तो ये क्वालिटी ऑफ सर्विस का मतलब यहाँ पे ये है कि आप डिफरेंट प्रायोरिटी असाइन करते हैं कि अगर इंटरेक्टिव प्रोसेसेस हैं तो उनके थ्रेड जो है उनको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा, जो यूजर इनिशिएटेड है उनकी प्रायोरिटी उससे कम होगी, जो यूटिलिटी है उनकी उससे कम होगी, और जो बैकग्राउंड प्रोसेस होंगे या जो थ्रेड्स होंगे उनकी जो प्रायोरिटी है वो सबसे कम। ये उसका डिस्पैच का कोड है और मैकेनिज्म है, इसको हम ऑब्जेक्टिव सी का चूंकि एनवायरनमेंट नहीं ले सकेंगे और आईओएस का एनवायरनमेंट भी हम नहीं क्रिएट कर सकेंगे तो इसको हम स्किप करते हैं। उसके बाद इंटेल का थ्रेड बिल्डिंग ब्लॉक है, इसको भी आपने जनरली देखना है, इसको भी आपने यानी इन डिटेल हम नहीं जा सकते इसके अंदर भी, लेकिन चीजें जो है वो सिमिलर हैं कि आपके पास ये लूप है उसको पैरेलल किया हुआ है, ठीक है, तो जिस तरह आपने देखा था कि
सी और सी प्लस प्लस में आपके पास जो है वो इस तरह का मैकेनिज्म था कि आप उसके ऊपर लिख सकते थे कि ये जो फॉर लूप है इसको आपने पैरेलल में करना है यूजिंग कंपाइलर डायरेक्टिव। तो जो इंटेल का थ्रेडिंग बिल्डिंग ब्लॉक है वो भी आपको इसी तरह की फंक्शनैलिटी देता है कि अगर आपकी लूप की जो वेरिएबल्स हैं यानी उसमें जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही हैं वो इंडिपेंडेंट हैं तो उसको आप पैरेलल में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद थ्रेडिंग के इश्यूज हैं। थ्रेडिंग के इश्यूज जो है इसको हम नेक्स्ट टाइम जो है वो कंक्लूड करेंगे और नेक्स्ट टाइम मैं कुछ प्रैक्टिकल के लिए भी कोशिश करूंगा कि आपके लिए कुछ अरेंज करूँ। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लें बेटा। तो ये जो हमने प्रोग्राम्स किए हैं इसमें ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए या एग्जाम के लिहाज से भी हमें इसको प्रिपेयर करना है? अंडरस्टैंडिंग के लिए ज्यादातर अंडरस्टैंडिंग के लिए है। दूसरी चीज मेरा जो गोल है आप लोगों के लिए जो मैं चाहता हूँ आपसे वो ये है कि कम से कम लाइक मुझे ये पता है कि आपने जावा नहीं पढ़ा हुआ, जी सर। मुझे ये भी पता है कि सी के जो पॉइंटर्स हैं वो शायद आपके लिए काफी ट्रबल क्रिएट करेंगे। तो मैं आपको ये तो नहीं कहूंगा कि आप सी के प्रोग्राम लिखें या जावा के प्रोग्राम लिखें, लेकिन मैं प्रैक्टिकल सेशन में आपसे ये जरूर चाहूंगा कि हम वो एनवायरनमेंट क्रिएट करके एटलीस्ट जो पीस ऑफ कोड हमें दिया गया है बुक के अंदर हम उसको एग्जीक्यूट करने के तो काबिल हों। एग्जीक्यूट करके हम देख तो सकेंगे वो करता है क्या है, क्या वो वही की चीज कर रहा है जो हमने डिस्कस की है। तो ये मेरी सोच है प्रैक्टिकल के बारे में। तो मतलब कि ये बस एग्जीक्यूट ही करने हैं हम लोगों ने। एग्जीक्यूट करने हैं उसके बाद उसमें थोड़ी बहुत चेंज जो है वो हो सकती है लेकिन बहुत ज्यादा इंटायरली डिफरेंट कोई चीज जो जो ये जो जावा का कोड है जो जी इसको हम सी में चेंज कर सकते हैं। सी में चेंज कर सकते हैं लेकिन बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। लाइक आपने आईपीसी में देखा होगा इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में कि हमने सॉकेट का कोड जो है वो जावा में लिखा हुआ था। जी सर, तो कोर का कोड भी जावा में है ना, वही मैं कह रहा हूँ। देखिए मतलब हमने दो चीजें पढ़ी ना, सी में भी पढ़ा जावा में भी पढ़ा। जो फोर्क जी का था सर, यानी जो थ्रेड का था उसमें पी थ्रेड को हमने सी में देखा और जावा में हमने दूसरा जो रनेबल है कॉलेबल है और इस तरह की चीजें देखी। तो अगर जी आपने सर, उसको सी में कन्वर्ट करना है तो एसेंशली आपको पी थ्रेड ही यूज करना पड़ेगा। पी थ्रेड का ऑलरेडी हमारे पास कोड है तो कोई पॉइंट नहीं है कि हम उसको कन्वर्ट करें। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जावा को भी देखना शुरू करें। कोड जो है उसका सिंटैक्स बहुत डिफरेंट नहीं है, सिर्फ जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम है वो थोड़ी सी डिफरेंट है आपके लिए। इवेंचुअली आपको कभी ना कभी तो देखनी पड़ेगी। जी सर, लेकिन वो अभी जावा तो हमें आती नहीं। अभी हम तो बेसिक बेटा आप जब सिंपल भी कभी एचटीएमएल भी नौकरी नहीं। करने जाएंगे ना, जब भी कभी नौकरी करने जाएंगे जी वहां पे जावा में काम करना पड़ेगा। आप जावा में भी करेंगे, आपको डॉट नेट में करना पड़ेगा उसमें भी करेंगे, पाइथन में करना जी पड़ेगा सर, उसमें भी करेंगे। जी सर। करेंगे कि नहीं करेंगे ये उनको कहिए, कहेंगे कि मुझे नहीं आती। सर जावा अगर बेसिक पढ़ी हो ना फिर आ जाती है। बेसिक आपकी डिग्री में ही नहीं है तो क्या किया जा सकता है? जावा की जॉब भी नहीं करेंगे कहीं पर? नहीं वो तो करेंगे सर, जब बेसिक से बंदा चलता है फिर सर बिल्कुल सही समझ आती है। तो बेटा जो इंटरनेट है वो इसीलिए है कि बेसिक्स जो है उसमें से आप गो थ्रू कर लें। जी इंटरनेट पे सर, जाएं, उसके डिफरेंट ट्यूटोरियल लें, देखें कि ये किस तरह से काम करता है। हर चीज जो है वो क्लासरूम में कवर नहीं हो सकती, ये मैं आपको जो है वो गारंटी से बता सकता जी सर। हूँ। हर चीज क्लासरूम में कवर नहीं हो सकती। लाइक अगर हम जावा की डिटेल में यहाँ पे क्लासरूम में जाना चाहेंगे तो बट विल सफर के आपका जो कोर्स है वो मतलब जो कोर चीज जो हमने पढ़नी है यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का ये सफर करेगा। ठीक है जावा थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी और एट द एंड कहेंगे कि जावा भी थोड़ी सी पढ़ी थी, ऑपरेटिंग सिस्टम भी थोड़ा सा पढ़ा था, ना जावा आती है ना ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ठीक है तो ये जो टेक्नोलॉजीज हैं इसको आप ये कह सकते हैं कि सपोर्टिंग लैंग्वेजेस या टेक्नोलॉजीज, इसको इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही है। इसमें अगर मैं आपको सपोर्ट देता भी हूं तो वो एक लेवल तक ही दे सकूंगा क्लास टाइम के, बाकी जो है वो आपने खुद ही करना है।
चले बेटा, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं कुछ, इसी को आगे लेके चलेंगे या साथ प्रैक्टिकल लेके चलेंगे, देखता हूँ मैं मंडे का लेक्चर जो इसके लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। ओके सर, अल्लाह।